और अब मैं आपको बताता हूं जो एक दर्दनाक कहानी है कि इन लोगों ने किस तरह से ये सारे काम रोके। जब इन्होंने देखा कि जो काम केजरीवाल कर रहा है ये काम तो हमसे होते नहीं, ना हमसे स्कूल बनते, ना हमसे अस्पताल बनते, ना हमसे बिजली का काम होता, ना हमसे पानी का काम होता, ना हमसे सिंचाई का काम होता, ना हमसे दलाल खत्म, हमसे और ना हमारी इच्छा, बिको पैसे कमाने इन्होंने। तो जब इन्होंने देखा ये काम नहीं, तो इन्होंने काम रोकने का काम किया। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है, अस्पतालों के अंदर बेबस आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता, जो अमीरों के अस्पताल में फाइव स्टार अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो कराने के लिए आता है। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उनका उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए मोहल्ला क्लिनिक में। 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों के पाप लगेगा तुम लोगों को। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, पाप लगेगा आपको। विधुड़ी जी, आपकी पार्टी ने जो ये काम किया दवाइयां रोकने का और टेस्ट रोकने का और सारे अस्पतालों का इलाज रोकने का, गंदी बात है ये। बता के जाना, आप भी रुक जाओ, बता के जाना अपनी पार्टी वालों को क्यों किया उन लोगों ने। दुश्मनी मेरे से है, दुश्मनी केजरीवाल से है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से क्यों बदला ले रहे हो तुम लोग? एक वो एमटीएस से डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओपीडी काउंटर पे जब आप सरकार, बैठ जाओ, मैं सारे जवाब, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। दिल्ली के अंदर जब आप अस्पताल में जाते हो, दवाई की खिड़की पे जाते हो, खिड़की ऊपर एक आदमी बैठा मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ओपीडी के लिए, ओपीडी का कार्ड काटने के लिए। वो कॉन्ट्रेक्चुअल था, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? एक दिन फरिश्ते स्कीम कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। 23,000 लोगों का हम फ्री में इलाज करा के उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। इन्होंने फरिश्ते स्कीम बंद करा दी इन लोगों ने। इतने घटिया किस्म के लोग हैं ये लोग। मेरा दिल रोता है जब मैं ये सारी चीजें, मैं जानता हूं, किसी दिन लिखूंगा ये सब कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने घटिया स्तर के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। ये राजनीति होती है, ये राजनीति सत्ता के लिए। तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। आप लोगों का लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, भाई सरकार तो हमारी है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? ऐसा मन में आएगा ना कि भाई सरकार तो हमारी है, सरकार तो केजरीवाल की है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? मैं बताता हूं कैसे रोक सकते हैं। सर्विसेज इनके पास है। सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, किस अफसर को कहां लगाना है, कहां से हटाना है, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कोई अफसर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विजिलेंस, जेल भेजना, ये सारा इनके पास है। पूरा अफसर शाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है। आज मेरे को जो मेरा चपरासी मेरे कमरे में चाय पिलाने आता है, अगर कल वो कह दे मैं चाय नहीं पिलाता, मैं उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री होके भी इतनी भी पावर नहीं है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, भाई ऐसे सरकार नहीं चल सकती, इनके ऊपर कंट्रोल मुख्यमंत्री का होगा। इन्होंने कानून ला के पास कर दिया कि नहीं, कि मुख्यमंत्री का नहीं होगा, एलजी का कंट्रोल होगा, केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। अब ये क्या कर रहे हैं? एक 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 आईएएस अफसर को बुला के धमकी दी जा रही है। धमकी क्या दी जा रही है कि अगर तुमने इस सरकार का एक भी काम किया, किसी भी मंत्री का एक भी काम किया, तुमको जेल भेज देंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारे ऊपर झूठा केस बना देंगे। जैसे इतने सारे झूठे केस अभी इन्होंने बताए, तुम्हारे पर झूठा केस बना देंगे, सस्पेंड कर देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, खबरदार अगर तुमने इनका साथ दिया तो। रो रहे हैं आईएएस अफसर,
रो रहे हैं दिल्ली सरकार के कर्मचारी। एक मेरे पास अफसर आया, टप टप आंसू बह रहे थे, 56 साल की उम्र है उसकी और टप 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 आंसू बह रहे थे उस आईएएस अफसर के। वो बेचारा वो कहता है जी मैंने कभी ऐसी नौकरी नहीं देखी, इस तरह का माहौल मैंने कभी नहीं देखा कि खुलेआम हमें धमकाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर पानी का संकट इन्होंने और सीवर का संकट पैदा कर रखा है। कैसे? आप लोगों ने, इस पूरी विधानसभा ने बैठ के बजट पास किया पिछले साल। आपने कहा भाई 5,000 करोड़ रुपए बजट होगा दिल्ली जल बोर्ड का, वो सारा पैसा लेके बैठ गए ये लोग। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा नहीं दे रहा जल बोर्ड का, 6 महीने से पैसा नहीं मिला जल बोर्ड को। जल बोर्ड चलेगा कैसे? छोटे मोटे रिपेयर का पैसा भी नहीं मिला जल बोर्ड के पास रिपेयर का पैसा भी नहीं बचा, छोटा मोटा। धमकी दी जा रही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को धमकी दी जा रही है, खबरदार अगर तूने पैसा दिया। दिल्ली को ये बर्बाद करना चाहते हैं, चारों तरफ सीवर बहने लग गया, पानी का संकट हो रहा है। अल्टीमेटली सौरभ भारद्वाज और अतीश ने मिलकर हाईकोर्ट में केस करा, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया पैसा तुरंत रिलीज करो। अगली हेयरिंग 29 फरवरी को है, अभी तक नहीं करा इन्होंने, ना ये सुप्रीम कोर्ट की मानते ना ये हाईकोर्ट की मानते। अब एक और संकट पैदा कर दिया इन्होंने, पानी के बिलों का बहुत बुरा हाल हो रहा है दिल्ली के अंदर। अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, गलत बिल है, सारे के सारे गलत बिल है। हमने प्रस्ताव रखा, आप ही बताना अगर गलत है तो। हमने कहा भाई अगर किसी का पानी का बिल गलत है, आपके पिछले सालों के अंदर 3 साल 4 साल 5 साल जब से आपने पैसे नहीं भरे, आपके 2 या 2 से ज्यादा अगर कोई भी ओके बिल है उसको हम ले लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और एवरेज के हिसाब से बाकी सारी कर देंगे। ठीक है कि नहीं है? गलत है कि ठीक है? हमने ये बनाया प्रस्ताव, प्रस्ताव बना के अफसरों को भेजा, इसको लागू करो। अफसरों ने फाइल पे लिख दिया कि हम नहीं लागू करते। फिर बुला के पूछा उनसे, अफसरों से रोने लग गए बेचारे, बोले जी कह रहे हैं तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुमको जेल में डाल देंगे अगर तुमने ये प्रस्ताव पारित किया तो। लेकिन प्रस्ताव तो पारित करा के छोड़ेगा केजरीवाल। देखते हैं कि बाजुए कातिल क्या है, वो जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।